Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. As you know that we are doing this COET PG English Literature Complete Preparation. The classes are provided only on our YouTube channel Education Pill. This is a complete free crash course. आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 2 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं. वन ग्रुप इज़ फॉर आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स एंड डिस्कशन रूम प्रोवाइड किया जाता है. एंड द सेकंड ग्रुप इज़ फॉर ऑल ऑफ आर सब्सक्राइबर्स, जहां पर अगर कोई क्लास में शेड्यूल में चेंज है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे सेकेंड टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एजुकेशन पिल पर मिलती है. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोनों ही ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे से जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर एग्जाम सो यू कैन सिंपली मेक अ कॉल ऑन दिस क्यूएन नंबर ऑन योर स्क्रीन. अब वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं विद द थॉट व्हाट वी अचीव इनवर्डली विल चेंज आउटर रियलिटी. ऑल्सो आप सभी जानते ही होंगे कल जो है आपका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ चुका है, आपकी डेट आ चुकी है जो कि है 13th मार्च, राइट? 13th मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है. तो अब जो बच्चे अभी भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें. बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड वाइजली इन बचे दिनों का उपयोग करिए, ठीक है? सभी को मेरा सजेशन है रिवीजन शुरू कर दीजिए, तगड़ा रिवीजन करिए. घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, अच्छे से रिवाइज करिए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर गोना हेल्प यू द मोस्ट, है ना? अगर आप ये दो चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम श्योर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाएंगे. अब हमारी आज की क्लास को शुरू करने के पहले पिछले क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स को हम देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज हु इज़ कंसिडर्ड अ की फिगर इन द मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट. It is option number B, T.S. Eliot. Then comes question number 2, which says, which novel is often regarded as a landmark work in the stream of consciousness narrative style during the modernist era? देखिए, keyword आपको पकड़ना है, stream of consciousness. तो यहाँ से आपका answer निकलेगा, option number B, Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. Then comes question number 3, which says, which literary movement emphasized the expression of subjective experience, individualism, and a break from traditional forms? So it is option number D, modernism. जैसे कि modernism, as the name itself suggests you, that it is completely free from all those traditional old norms. And this is like a break in the thought process and in everything. जो पहले हो रहा था उनमें अब change आ जाता है इस टाइम पीरियड में, ये उस सोच को बताता है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4 विच सेज हु इज द ऑथर ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड अ डिस्टोपियन नॉवेल एक्सप्लोरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ सोसाइटी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल कंट्रोल. तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा है एल्डर्स हक्सले ने. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज What poem by T.S. Eliot is often considered a landmark of modernist poetry, utilizing fragmented language and diverse literary allusions? So it is option number A, The Wasteland. चलिए अब इसी के साथ हम हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं. हमने अपने सारे जो एजेस हैं ब्रिटिश लिटरेचर के वो कंप्लीट कर लिए हैं और ब्रिटिश लिटरेचर का ये आखिरी लेक्चर है. इसके बाद हम इंडियन लिटरेचर पर जाएंगे और धीरे धीरे आपका सिलेबस मुश्किल से 5 से 6 दिन में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा. तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है. मैं फिर से बोल रही हूँ, पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेटजी वाइज अच्छे से पढ़ना है. आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. अच्छा, कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जिनमें कॉन्टेंट ज़्यादा होने की वजह से कई बार वर्ड्स नहीं दिखते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए जो वीडियो है वो हटा देती हूँ, ठीक है? जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ आपको ठीक से दिख नहीं रहा है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूँगी. ऑलराइट, सो सबसे पहले देख लेते हैं हम पोस्ट मॉडर्न एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को.
देखो पोस्ट मॉडर्न एज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज कमिंग आफ्टर मॉडर्न एज, है ना, मॉडर्निज्म के बाद आता है. तो ऑब्वियसली जैसे कि मॉडर्निज्म पिछले जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे उनसे अलग था, ऐसे ही अब मॉडर्न एज को पीछे छोड़ते हुए आता है पोस्ट मॉडर्निज्म. ये जो एरा है इसकी शुरुआत हो जाती है कुछ मिड टू लेट 20th सेंचुरी में. इट फॉलोड द एरा ऑफ मॉडर्निज्म एंड इट गेन्ड प्रोमिनेंस इन 1960. एंड देन फिर तो ये हमेशा ही कल्चर को, लिटरेचर को, आर्ट को इन्फ्लुएंस करता रहा एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट इवन टिल नाउ. इसका जो मेन आइडिया है, जो मेन डेवलपमेंट है, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, है ना, जैसे कि अचानक से टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों ने पोस्ट मॉडर्न एरा को शेप करने में बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा किया है. इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल्सो द इंटरकनेक्टेडनेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड व्यू एंड इट चैलेंज द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज एंड दी कल्चरल डिस्टिंक्शंस. अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न एज के लिटरेरी फीचर्स की, तो पोस्ट मॉडर्न एज में मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Yes, now it's clear. Yes, so now everything is clear, I guess. We were talking about the literary features of postmodern age. Postmodern age में जो सबसे main चीज़ आपको याद रखनी है वो है fragmented narratives, है ना. कई बार जो नैरेटिव्स हैं उनको पढ़ के आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे राइटर जो हैं, बट इट वाज लाइक दैट ओनली एंड दे एम्ब्रेस्ड इट, है ना, दे एम्ब्रेस्ड इट एज अ नैरेटिव टेक्निक. वहाँ पर आपको बहुत ही लीनियर स्टोरी टेलिंग भी नहीं मिलेगी. तो फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग एंड डिसरप्टिंग ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ये सभी इस टाइम पीरियड के लिटरेरी फीचर्स थे. और एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग जॉनर्स, फॉर्म्स, स्टाइल्स, ये सभी का एक ब्लेंड देखने को आपको मिलेगा इन अ हाइब्रिड फैशन. जैसे कि अगर आप बहुत ही ट्रेडिशनल वर्क्स को देखेंगे तो आपको उनमें एक सिमेट्री देखने को मिलेगी, लाइक इफ़ सम वर्क इज़ ऑफ पर्टिकुलर जॉनरा तो आपको उसमें उसी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी. बट इट वॉज नॉट सेम इन द पोस्ट मॉडर्न एज. पोस्ट मॉडर्न एज में चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है. पोस्ट मॉडर्न एज में एक मिक्स देखने को मिलता है, एक ब्लेंड देखने को मिलता है. नाउ वी हैव कम्प्लीटेड दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड लिटरेरी फीचर्स एंड नाउ वी विल बी डीलिंग विद दी नॉवेलिस्ट्स ऑफ दिस एरा. तो सबसे पहले आती हैं अगाथा क्रिस्टी. अगाथा क्रिस्टी एक रिनोन्ड इंग्लिश राइटर हैं जो सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं अपने डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड प्लेस के लिए. अगर हम बात करें इनके सबसे मेजर वर्क की, तो सबसे पहले है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस 1934. इट इज़ अ क्लासिक हरक्यूल पॉयरोट नॉवेल वेयर द डिटेक्टिव सॉल्व्स अ मर्डर मिस्ट्री अबोर्ड द लग्जूरियस ओरिएंट एक्सप्रेस. अब देखो कुछ राइटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को फेमस कर देते हैं. अगाथा क्रिस्टी भी उन्हीं राइटर्स में से एक हैं. इनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं दे प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन हर लाइफ एज वेल एज इन हर कैरेक्टर्स इन हर वर्ल्ड ऑफ नॉवेल्स. इसके अलावा डेथ ऑन द नाइल, ये भी अनदर पोएट मिस्ट्री है विच इज सेट इन इजिप्ट. अच्छा देखिए कि जैसे कि आर्थर कैनन डॉयल को हम जानते हैं, सर आर्थर कैनन डॉयल को हम जानते हैं शर्लक होम्स के लिए, राइट, ऐसे ही अगाथा क्रिस्टी को भी हम इनके हरक्यूल पॉयरोट नॉवेल्स के लिए जानते हैं. अब आ जाते हैं J.R.R. टॉल्किन. मैं अपना वीडियो ऑन रखती हूँ, फिर जब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा आई टर्न इट ऑफ. J.R.R. टॉल्किन जो है ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए,
समय कम बचा है तो मैं मेजर वर्क्स की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट के एटलीस्ट मेजर वर्क्स तो आपसे बन ही जाए. J.R.R. Tolkien जो थे, ही होल्डेड अ स्पेशलाइजेशन इन ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी अकेडमिक पोजिशंस भी होल्ड की हैं, लाइक ही वॉज ऑल्सो प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. अगर हम बात करें इनके मेजर वर्क्स की, सबसे पहले है द हॉबिट 1937 एंड द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. ये इनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है. ये एक मॉन्यूमेंटल फैंटेसी थी. इट वॉज अ ट्रिलॉजी. इट कंप्राइज ऑफ द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द टू टावर्स एंड द रिटर्न ऑफ द किंग. एंड देन इट ऑल्सो फॉलोज द क्वेस्ट टू डिस्ट्रॉय द वन रिंग एंड डिफीट द डार्क लॉर्ड सॉरन. तो देखिए, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट सजेस्ट आप नाम याद रखिए, है ना. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम्स. सो जस्ट रिमेंबर द हॉबिट, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. ये ज़रूर याद रख लेना कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है ये ट्रिलॉजी थी एंड इट कंप्राइज ऑफ दीज थ्री बुक्स. इन तीनों के नाम याद रख लेना है और आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. फिर आते हैं जॉरिस लेसिंग. डॉरिस लेसिंग, इनके दो वर्क हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं. दोनों से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. मैंने मेजर राइटर्स में काउंट कर रही हूँ एंड आई वांट कि आप इनके दोनों वर्क्स के नाम अच्छे से याद रखें. पहले तो है द ग्रास इज सिंगिंग. ये इनका डेब्यूट नॉवल था. इट एक्सप्लोर्ड रेशियल एंड सोसाइटल इशूज इन कॉलोनियल अफ्रीका. इट ऑल्सो डेल्ट विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड द हार्श रियलिटीज ऑफ फार्म लाइफ. Then we have the Golden Notebook. The Golden Notebook, इसको इनका हम मैगना इनका मैग्नम ओपस या फिर इनका सबसे ग्रेट वर्क भी कह सकते हैं. Then comes William Golding. William Golding, he is also very famous because he got this Nobel Prize in Literature in 1983. अच्छा, यहाँ पर आपको मेरा वीडियो डिस्टर्ब कर रहा होगा. Yes. सो विलियम गोल्डिंग का मास्टरपीस वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यस यहाँ थे हम. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इनका सबसे ज़्यादा फेमस नॉवल है. इट डिपिक्टेड द डिसेंट इनटू सैवेजरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ बॉयज स्ट्रैंडेड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड. इसको मैंने पढ़ा था अपने लाइक ग्रेजुएशन टाइम पीरियड पर. ये एक वंडरफुल नॉवेल है. ये कुछ बच्चों की कहानी रहती है जो कि फ्रॉम दोज किड्स इट वाज एक्चुअली डिपिक्टिंग समथिंग एल्स, है ना. आप उसको जाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस वर्क में कितनी ज़्यादा गहराई है. फिर है दी इनहेरिटर्स. दी इनहेरिटर्स, इट केम आउट इन 1955. ये जो वर्क है, इट ये जो नॉवेल है, इट वॉज नैरेटेड फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ नीदरथल्स एनकाउंटरिंग होमोसेपियंस एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ कल्चरल क्लास एंड एक्सटिंक्शन. अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए आप लक्षद्वीप जाते हैं, वहाँ की जनजातियाँ आपसे इंटरेक्ट कर रही हैं, तो आप लोगों में कितना ज़्यादा कल्चरल क्लैश होगा. कुछ ऐसी ही थीम पर आधारित है इनका ये वर्क दी इनहेरिटर्स. इसके बाद आते हैं किंग्सले एमिस. किंग्सले एमिस का सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है लकी जिम. आप इस वर्क को अगर लाइक याद कर लेंगे तो आई एम श्योर कि जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे ये ज़रूर बन जाएगा. अब आते हैं ब्राम स्टोकर. इन सभी राइटर्स को मैंने ऐड किया है. आपको लग रहा होगा बहुत सारे राइटर्स हैं, बट अगेन घबराने की बात नहीं है क्योंकि इन सभी राइटर का कोई ना कोई एक वर्क ही है जो फेमस है. जैसे अगर मैं ब्रैम स्टोकर की बात करूं तो 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ड्रैकुला किसने लिखा है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे. तो बस इतना याद रखना है कि ब्रैम स्टोकर का वर्क है ड्रैकुला. ये एक गॉथिक नॉवेल था एंड जो वेम्पायर जॉनर होता है उसमें ये एक क्लासिक माना जाता है. दिस नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ काउंट ड्रैकुलाज अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम ट्रांसिल्वेनिया टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू स्प्रेड द अनडेड कर्स. बस इतना याद रखो, ड्रैकुला ब्राम स्टोकर ने लिखा है और ये एक गॉथिक नॉवेल है. इसके बाद है एंथनी बर्गेस.
एंथनी बर्गेस का एक ही नॉवेल है जो मैं फिर से कहूँगी बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड वो है अ क्लॉक वर्क ऑरेंज। तो आपको याद रखना है अ क्लॉक वर्क ऑरेंज किसने लिखा है, तो ये लिखा है एंथनी बर्गेस ने। अब हम देख लेते हैं इस टाइम पीरियड के ड्रामेटिस्ट्स को। तो सबसे पहले आते हैं क्रिस्टोफर फ्राई। क्रिस्टोफर फ्राई ही इज़ नॉट लाइक ही is not only famous for the kind of works he wrote, but also for the kind of narrative technique, for the kind of writing style that he chose. He is known for his poetic and eloquent language. Inke jo works hain, they are characterized by a rich use of language and a deep exploration of philosophical and spiritual themes. Jaise ki agar aap John Donne ke works ko dekhein, तो आपको उसमें एक मिक्स मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी का भी, सेक्सुअलिटी का भी, सेंसुअलिटी का भी। ऐसे ही क्रिस्टोफर फ्राई के जो वर्क्स हैं दे डेल्व्स इनटू द डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ फिलोसफिकल एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल थीम्स। बात करें अगर हम इनके फेमस वर्क्स की तो है दी लेडीज नॉट फॉर बर्निंग 1948, ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी। इट वॉज सेट इन दी मिडिल एजेस एंड जैसे कि मैंने बताया कि एक रोमांटिक कॉमेडी है, तो ये प्ले इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लव, वॉर एंड ऑफ ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन कंडीशंस। फिर आते हैं हैरल्ड पिंटर। हैरल्ड पिंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके मैंने ज़्यादा वर्क्स इंक्लूड किए हैं बिकॉज जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हैरल्ड पिंटर की अगर हम बात करें तो इनका मोस्ट फेमस वर्क तो है द बर्थडे पार्टी। दी बर्थडे पार्टी ये इनका फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है। इट इज़ अ डार्कली कॉमेडिक वर्क। इट एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ मिनीज एंड द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन इंडिविजुअल्स। फिर है दी केयर टेकर, ये पिंटर का मास्टर पीस समझा जाता है। फिर है दी होम कमिंग, इट इज़ अ पावरफुल ड्रामा दैट एक्सप्लोर्स फैमिली रिलेशनशिप्स, डोमिनेंस एंड द एम्बिग्विटी ऑफ होम कमिंग। अच्छा, इनके वर्क्स को आपको अच्छे से याद करना है तो कुछ स्टोरी बना लेते हैं। हैरल्ड पिंटर अपने बर्थडे पार्टी के लिए होम कमिंग यानी कि घर वापसी करते हैं, और हैरल्ड पिंटर जब वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले अपने केयर टेकर से मिलते हैं। मतलब याद रखिएगा ये तीन इम्पॉर्टेंट जो वर्क हैं ये हैरल्ड पिंटर ने लिखे थे। अब है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट थिएटर ऑफ एब्सर्ड के राइटर्स आप देख रहे हैं आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। इनका वेटिंग फॉर बोडो एक मास्टरपीस कहा जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, तो जो भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के वर्क हैं उनमें तो आपको फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज देखनी ही देखनी है। इसके अलावा भी उन लोगों ने एक मिक्स ऑफ जॉनर, मतलब कि मान लीजिए कोई वर्क है जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का नहीं है उसमें भी राइटर्स ने जो फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज है उसका यूज़ किया है। तो सैमुअल बेकेट, इनका वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, क्रैप्स लास्ट टेप। क्रैप्स लास्ट टेप जो है वो एक वन एक्ट प्ले था एंड इट फोकस्ड ऑन एन एजिंग राइटर क्रैप जो अपनी ही रिकॉर्डिंग्स को सुनता है। तो ये तीन वर्क इनके याद आपको रखने हैं, वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, एंड क्रैप्स लास्ट टेप। देन कम्स टॉम स्टूपर्ड। टॉम स्टूपर्ड का मास्टरपीस है रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड। ये जो वर्क है ये आपने आई एम श्योर हैमलेट तो पढ़ा ही होगा, तो हैमलेट जो वर्क है उसमें दो माइनर कैरेक्टर्स थे रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न। उन्हीं दोनों माइनर कैरेक्टर्स पर बेस्ड ये वर्क है। ये उन्हीं माइनर कैरेक्टर्स को यहाँ पर एज मेन प्रोटैगनिस्ट लेकर आता है एंड फिर ये वर्क लिखा गया। अब आते हैं जॉन ऑसबॉर्न। इनका वर्क पढ़ते मैं बहुत इरिटेट हुई थी, मेरे ग्रेजुएशन में था लुक बैक इन एंगर एंड आई वाज थिंकिंग क्या बकवास वर्क है एंड क्यों ये इतना फेमस है। बट सिंस थिएटर ऑफ एब्सर्ड ट्रेंड में था, ऑलमोस्ट सब लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसमें, तो इन्होंने भी किया। हालांकि क्वेश्चन इससे काफ़ी बार आ जाता है ये किस तरीके का वर्क है, तो इट कम्स इन किचन सिंक ड्रामा है ना। बाकी थिएटर ऑफ एब्सर्ड में तो आप काफ़ी सारे वर्क्स को लिख ही सकते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर इससे क्वेश्चन आए
तो किचन सिंक ड्रामा आपको याद रखना है। ओके अब आते हैं इस टाइम पीरियड के पोएट्स। द फर्स्ट वन इज सीमा सेने। सीमा सेने से रिलेटेड आप याद रखिएगा दैट ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1995। अगर हम बात करें इनके फेमस वर्क्स की तो सबसे पहले है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, नॉर्थ फील्ड वर्क। अच्छा, इनके वर्क्स को हम किसी टेक्निक से याद करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सीमस हैने एक व्यक्ति थे, एक राइटर थे, वो नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ में वहाँ जाके वो फील्ड वर्क करते हैं और उसी फील्ड पर उनको एक नेचुरलिस्ट की डेड बॉडी मिलती है। सो वियर्ड स्टोरी, क्योंकि वियर्ड वर्क्स। सीमस हैने नॉर्थ में जाते हैं, वहाँ फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड वर्क के दौरान वहाँ पर उन फील्ड पे उनको एक नेचुरलिस्ट की डेथ के बारे में पता चलता है या डेड बॉडी मिलती है। सो इन दिस वे जस्ट रिमेंबर दैट ही हैज रिटन दीज थ्री फोर इम्पॉर्टेंट वर्क्स। अब आते हैं टेड ह्यूज। इनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। इनकी वाइफ भी काफ़ी फेमस है, सिल्विया प्लाथ, उनकी पोम्स भी आपको देखनी है। अगर हम बात करें टेड ह्यूज की, यानी कि एडवर्ड जेम्स की, उनके मेजर वर्क्स हैं द हॉक इन द रेन, Crow, From the Life and Songs of the Snow, Woodbow, and Birthday Letters. अच्छा, birthday letters में आप प्लीज़ याद रखना कि ये जो कलेक्शन है इट इज़ अ सीरीज ऑफ पोअम्स विच एड्रेस्ड हिज रिलेशनशिप विद सिल्विया प्लाथ, है ना। सिल्विया प्लाथ से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, कभी कभी तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है दैट वॉट इज़ द नेम ऑफ द What is the name of the husband of Sylvia Plath, है ना, या what was the relationship between them? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। Sylvia Plath को भी देख लेते हैं, इनसे भी direct question पूछा जाता है। इनका सबसे famous work है, इनकी poems की बात कर रहे थे हम, Ariel। एक बार question भी आया था net exam में कि Ariel और two Ariel, इनमें से कौन सा work इनका है, तो it was Ariel। एरियल वॉज पब्लिश्ड पॉस्थ्यूमसली। ये पोएट्री कलेक्शन था जिसमें सिल्विया प्लाथ की कुछ सबसे ज़्यादा चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट पोएम्स थी, जैसे कि लेडी लजारस, डैडी एंड एरियल। अच्छा, डैडी भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है ना, तो यू शुड नो दैट इट इज़ रिटन बाय हर। द बेलजार, दी बेलजार प्लाथ का एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था, ये भी पॉस्थ्यूमसली ही पब्लिश हुआ था। इस वर्क में उनका एज अ यंग वुमेन उनकी जो स्ट्रगल्स रहते हैं वो पता चलते हैं। ओके, सो दिस वर्क वॉज रिटेन अंडर द स्यूडोनिम विक्टोरिया ल्यूकास, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड ये जो वर्क है, दिस वर्क एक्सप्लोर्स दी स्ट्रगल्स ऑफ अ यंग वुमेन जिसका नाम ईस्थर ग्रीनवुड था। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि उनके स्ट्रगल्स के बारे में पता चलता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सिल्विया प्लाथ के जो वर्क्स थे उनके आप जितना डेप्थ में जाएंगे आपको पता चलेगा कि सिल्विया प्लाथ कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर्स के द्वारा वो अपने अंदर जो स्ट्रगल फील कर रही हैं, अपने अंदर जो दिमाग में वो सुसाइडल थॉट्स उनको आते थे, आपको शायद पता भी होगा बहुत ही ट्रेजिकली उनका एंड हो जाता है, तो जो भी वो पर्सनली बैड फीलिंग्स अपने अंदर रख रही थी वो सारी वो अपनी कैरेक्टर्स के थ्रू बताती हैं। तो दी बेलजार ये एक वर्क है जो कि उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। दिस इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कहीं ना कहीं इसमें ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ें भी हैं, तो याद रखना है। इसको इन्होंने लिखा था विद दिस यूटोनिम विक्टोरिया ल्यूकास, ये उनके स्ट्रगल को बताता है विद द कैरेक्टर ऑफ ईस्थर ग्रीनवुड। अब आते हैं फिलिप लार्किन, राइट। फिलिप लार्किन इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यस। इनके बात कर लेते हैं सबसे मेजर वर्क्स की। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ शिप। ये लार्किन का डेब्यूट कलेक्शन था ऑफ पोएम्स विच रिफ्लेक्टेड हिज अर्ली इन्फ्लुएंसेस एंड थीम्स रिलेटेड टू नेचर एंड ग्रोइंग लव। इसके बाद है द विट्सन वेडिंग्स, हाई विंडोज एंड चर्च गोइंग। अगर मैं बताऊँ इनके सबसे फेमस वर्क का नाम तो यस, आप नॉर्थ शिप याद रख सकते हैं, बाकी चर्च गोइंग ये इनका बहुत फेमस वर्क है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो मैं सजेस्ट करूंगी ज़रा सा इस पोएम को जाकर
आप थोड़ा डिटेल में बस थोड़ा बहुत रीड कर लें, इट विल हेल्प यू अ लॉट, है ना, बिकॉज दिस वर्क इज वेरी इम्पॉर्टेंट. चलिए अब मैं आपसे कुछ वार्तालाप कर लेती हूँ. कल आप लोगों का, मैं जानती हूँ कल आप लोगों का डेट शीट आ गया है, 13th को पेपर है. मुझे काफ़ी बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया है दैट मैम पेपर इज़ लाइक द डेट हैज़ कम एंड आई एम वेरी नर्वस, मैं बहुत घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ. तो देखो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है. पहली बात, बिल्कुल भी नहीं घबराना है. आप सभी मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, मैं आप सब में से बहुतों को पर्सनली जानती हूँ, और मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग है. आई नो यू एंड आई हैव सीन यू, है ना. मुझे बहुतों के नाम पता है, बहुतों का स्टेटस पता है, मेंटल स्टेटस मेरा मतलब कि वो क्यों घबरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है. बट आई हैव सीन योर लाइक स्टडिंग स्टेटस एंड आई कैन कन्फर्म दैट यू हैव वर्क रियली वेरी हार्ड. तो अपने आप पर आपको फेथ रखना है, अपने अंदर आपको बिलीव एंड होप रखना है ना, विश्वास रखिए और पढ़ाई करिए. अब पढ़ाई कैसे करनी है, तो बस दो चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. ये दो चीज़ें ही हैं जो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी. देखिए कई बार आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होगा, तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ी अकल होनी चाहिए, और वो अकल आपको तब आएगी जब एटलीस्ट आपने एक बार तो पढ़ा होगा. जैसे कि मैं पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बहुत अवॉइड करती थी, मुझे टफ लगता था. फिर जब मैं एक बार पढ़ के गई, मुझसे खटा खटा क्वेश्चंस बन रहे थे, तुरंत तुरंत क्वेश्चंस बन रहे थे. तो ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज मैं एक बार पढ़ के गई थी, तो कहीं ना कहीं मैं तुरंत रिलेट कर पा रही थी चीज़ों को. ये तीन ऑप्शन तो मैंने सुने नहीं है, ये पढ़ा है मतलब ये आंसर होगा, और वही निकला भी. तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बिना किसी लाइक हेजिटेशन के एक बार अपना अच्छे से आप पढ़ चुके हैं, जो बचा है उसे पढ़ लो अगर समय है तो, अभी है समय. एंड ट्रस्ट मी, ये जो 10 10 12 जितने भी दिन बचा है, ये मोर देन इनफ है, यू विल डू इट, है ना. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद योर प्रिपरेशन. हम जल्दी ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन साइनिंग ऑफ एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग.